नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन है वो है अमृतसर से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली शान ए पंजाब सुपर फास्ट ट्रेन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें इस बेल आइकन को, ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, अमृतसर से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली शान ए पंजाब सुपरफास्ट ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12498। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के हम ट्रेवल टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन अमृतसर से नई दिल्ली के टोटल डिस्टेंस 448 किलोमीटर की यात्रा को कवर करती है 7 घंटे और 40 मिनट में। इस ट्रेन की परमिशेबल स्पीड है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी एवरेज स्पीड है लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन का संचालन करती है नॉर्दर्न रेलवे। और दोस्तों, ये जो ट्रेन है ये हफ्ते के सातों दिन चलने वाली एक डेली ट्रेन है। यह ट्रेन अमृतसर से नई दिल्ली के बीच में 13 स्टेशनों पर ठहरती है और यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है। अगर दोस्तों इस ट्रेन के हम कोचेस की बात करें तो इसमें LHB श्रेणी के AC चेयर कार के 3 कोच हैं, जिसका अमृतसर से नई दिल्ली तक का किराया है ₹620। सेकंड सीटिंग के 13 कोच हैं जिसका किराया है ₹170 और सामान्य क्लास के 2 कोच हैं जिसका किराया है ₹153। दोस्तों, ये किराया अमृतसर से नई दिल्ली तक का है और यह कन्फर्म किराया नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या फिर रेलवे के टिकट काउंटर से कन्फर्म करें। इस ट्रेन में दोस्तों ऑनबोर्ड कैटरिंग व ई कैटरिंग जैसी सुविधाएं मिलती है। इस ट्रेन को अमृतसर से नई दिल्ली तक गाजियाबाद लोको शेड का WAP 7 या फिर WAP 5, इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस ट्रेन के हम सभी स्टेशनों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अमृतसर से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली शान ए पंजाब सुपरफास्ट ट्रेन हर दिन दोपहर 3:10 पर अमृतसर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है। और दोस्तों, अमृतसर से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है ब्यास जंक्शन। दोपहर के 3:38 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और 3:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है जलंधर सिटी जंक्शन शाम के 4:15 पर और 4:19 पर यह ट्रेन जलंधर सिटी जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 4 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है फगवाड़ा जंक्शन शाम के 4:36 पर और 4:38 पर यह ट्रेन फगवाड़ा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है लुधियाना जंक्शन। शाम के 5:18 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 5:23 पर यह ट्रेन लुधियाना जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ तक यह ट्रेन अपनी 135 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है दोराहा शाम के 5:53 पर और 5:55 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है खन्ना शाम के 6:10 पर और 6:12 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है राजपुरा जंक्शन शाम के 6:43 पर और 2 मिनट रुकने के बाद 6:45 पर यह ट्रेन राजपुरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है अम्बाला कैंट जंक्शन। शाम के 7:23 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद 7:28 पर यह ट्रेन अम्बाला कैंट जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ तक यह ट्रेन अपनी 250 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है कुरुक्षेत्रा जंक्शन रात के 8:03 पर और 8:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है करनाल रात के 8:27 पर और 8:29 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है पानीपत जंक्शन रात के 8:56 पर और 8:58 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है सोनीपत जंक्शन रात के 9:29 पर और 9:31 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। और सोनीपत तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 403 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है सब्जी मंडी रात के 10:09 पर और 10:11 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है नई दिल्ली। रात के 10:50 पर यह ट्रेन पहुँचती है नई दिल्ली और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 448 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है।
तो दोस्तों ये थी अमृतसर से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली शान ए पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।